कभी कभार सख्त अफसोस होता है कि हमारी हुकूमत सूद पर सूद लेती जा रही है, सूद पर सूद। और अभी इस बजट में जो एक चीज मैंने देखी है, हम सूद तो ले रहे हैं, सूद पर दूसरे लोगों से, दुनिया से पैसे ले रहे हैं। आप हैरान होंगे के वफाक सूद पर सूदों को पैसे दे रहा है। मैंने सुना है, बल्कि मैंने पढ़ा भी है। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूं, मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूं। सूरह बकरा सूरह नंबर 278 में है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद का बकाया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। इसी तरह से सूरह बकरा 279 में, फिर अगर इस पर फिर भी आप अमल नहीं करोगे और सूद लेते रहोगे और देते रहोगे तो अल्लाह लेलान, सुन लो ये अल्लाह ताला के साथ जंग और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है। और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारे असल अमवाल मिल जाएंगे, ना तुम पर किसी पर जुल्म कर पाओगे और ना ही तुम पर जुल्म कर पाएगा। सर जब कुरान शरीफ कहता है, जब अल्लाह ताला कहता है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला से जंग है, मगर यहाँ पर सूद लिया भी जा रहा है और सूद दिया भी जा रहा है, तो मुझे बताए हमारा मुल्क खाक तरक्की करेगा? और हम आप समझते हैं, आप कहते हैं कि जी आपका कानून कुरान और सुन्नत से हटकर नहीं है। बहसियत गैर मुस्लिम भी मुझे शर्म आती है कि आप ये मुनाफ़त का काम कर रहे हैं।